पिछली सीरीज में हमने एमएस वर्ड के यूजर इंटरफेस के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में पावर पॉइंट के यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमें पावर पॉइंट एक तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जाएंगे और पावर पॉइंट अगर ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पावर पॉइंट दिया गया है। अगर यहाँ से ओपन नहीं करना है पावर पॉइंट तो यहाँ पे लिखेंगे सर्च, यहाँ पे करेंगे हम। ये देखो पावर पॉइंट लिखा और यहाँ पे पावर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से भी हम पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ओपन नहीं करना है तो ये हमारी टास्क बार है, यहाँ पे पिन करके यहाँ पे पावर पॉइंट रखा हुआ है। ये देखो ये पावर पॉइंट है, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हमारा पावर पॉइंट 2019 ओपन हो गया है। ये तो यहाँ पे ये हमारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। कौन सा टेम्पलेट चाहिए ये हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ये टेम्पलेट हमें चाहिए। हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह हमारा पावर पॉइंट का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये जो हमारी सबसे ऊपर है इसको क्या बोला जाता है। तो ये जो हमारी सबसे ऊपर दी गई है बार, इसको बोला जाता है टाइटल बार। तो टाइटल बार इसमें ये जो प्रेजेंटेशन वन लिखा हुआ है ये फाइल नेम है, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। अगर हमने कोई भी फाइल किसी नाम से सेव नहीं की हुई है तो ये जो है फाइल नेम ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यह हमारा प्रोग्राम है आगे पावर पॉइंट, ये कौन सा हमने ओपन किया हुआ है पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम है ये। इसके बाद ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये क्लोज बटन है, ये रिस्टोर बटन है, ये मिनिमाइज बटन है। अगर हमने मिनिमाइज करना है इसको तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं हम। अगर अगला हमारा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, ये जो है हमारा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, यहाँ से हम रिबन को ये डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ये देखो ये हमारा यहाँ पे हमने क्लिक किया ऑटो हाइड रिबन, ये फर्स्ट है, ये ऑटो हाइड रिबन हो जाएगा। तो ये अपने आप ही हाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद ये शो टैब्स, अगर हमने केवल टैब्स देखने हैं तो हमारे पास ये है टैब्स है, ये ओपन हो जाएंगे। ये देखो टैब्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो टैब्स एंड कमांड, ये टैब है और इसकी कमांड भी अगर हमने देखनी है तो हम ये तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखो टैब्स भी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं और इसकी रिबन भी दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के बटन है ये टाइटल बार में, और यहाँ पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर हम यहाँ पे जल्दी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। इसके बाद ये अंडू रीडू का बटन है ये। अगर हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में और बटन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। और सपोज करो यहाँ पे हमें ये न्यू बटन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ओपन चाहिए तो ओपन भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ओपन बटन आ गया। ये अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये रिमूव हो जाए ये दोनों, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखो चेक है, यहाँ पे अनचेक कर देंगे न्यू, ये न्यू का चला जाएगा। अब ये ओपन, ये भी रिमूव करना है तो हम यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे, ये भी चला जाएगा। तो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके नीचे जो होती है ये यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको बोला जाता है टैब्स। तो ये टाइटल बार के नीचे दिए गए होते हैं। ये जो टैब है जैसे होम टैब है, तो ये होम टैब की रिबन ओपन हो गई है। तो ये हमारी रिबन है ये, तो हम ये देखेंगे कि ये रिबन किसकी है। तो ये होम टैब यहाँ पे ओपन है, इसकी रिबन है। अगर ये रिबन हमने बंद करनी है तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे हम डबल क्लिक, यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फिर से आ जाएगी। तो ये रिबन जो है ये बनी होती है ग्रुप,
ये हमारे पास ग्रुप्स है इनसे बनी होती है। जैसे ये देखो, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, इससे बनी हुई है ये। इसके बाद सेकंड है स्लाइड्स, इससे बनी हुई है। फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। तो होम टैब जो है हमारा वो अलग अलग ग्रुप से बना हुआ है ये। तो ये सारी जो है ये रिबन है। इसके बाद अगर हम सेकंड पे क्लिक करेंगे तो इसकी रिबन आ जाएगी और ये इसके ग्रुप आ जाएंगे। अगली पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी, अगली पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार हम ये इसकी रिबन किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी रिबन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये हमारा जैसे ये होम है, होम के बाद यहाँ पे हम ये जो हमारा स्लाइड पैन है यहाँ पे स्लाइडें आती हैं। अगर कोई भी हम जैसे ये फर्स्ट स्लाइड बनाई हुई है तो ये स्लाइड यहाँ पे आ गई है। अगर हमें और स्लाइड चाहिए तो हम कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल एम, ये देखो कंट्रोल एम, ये सेकंड स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। तो ये स्लाइड पैन है, यहाँ पे जितनी भी स्लाइड बनाएंगे ये यहाँ पे आती जाएंगी। इसके नीचे ये हमारी स्टेटस बार है, यहाँ पे स्टेटस बार पे लिखा हुआ है, जैसे एमएस वर्ड में यहाँ पे पेजेस लिखा होता है कि हमारे कितने पेजेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी कितनी स्लाइडें हैं, दो स्लाइडें हैं। तो सेकंड स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं, टू ऑफ टू सेकंड स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे ये नोट्स हैं, तो नोट्स के बाद ये स्टेटस बार में होते हैं ये, कि अगर चेक करने तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे कमेंट्स है, इसके बाद आगे नॉर्मल व्यू है। ये देखो यहाँ ये जो है हमारा नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे क्लिक किया ये नॉर्मल व्यू है। अगर हमने स्लाइड सॉर्टर व्यू देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आएगा ये स्लाइड सॉर्टर व्यू आएगा। इससे अगला रीडिंग व्यू है, ये हमारा रीडिंग व्यू है ये अगला। इसके बाद ये स्लाइड शो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो आ जाएगा। ये देखो ये स्लाइड शो है ये। इसके बाद यहाँ पे इसको नॉर्मल रखते हैं ये। इसके आगे वह जूम बार है ये, अगर ये हमने जूम इसका बढ़ाना है या कम करना है तो हम ये बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो जूम बढ़ रहा है ये। अगर कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हम जूम, इसको जूम इन भी कर सकते हैं, ये जूम इन हो रहा है। अगर जूम आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जूम आउट हो रहा है ये। तो ये जूम बार से हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं ये। तो पेज को ऊपर नीचे देखना है तो इसको हम वर्टिकल स्क्रोल बार होती है ये, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे ये जो हमारी स्टेटस बार है, इसके नीचे जो है ये, इसको बोला जाता है टास्क बार। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।